हेलो दोस्तों, आज ये मेरे पास दो पैकेट डिलीवर हो गए हैं। एक अमेजोन से मंगाया है, एक मुंबई के बैग जोन से मंगाया है। ये दिस इज़ रियली समथिंग स्पेशल बिकॉज आज के बाद जो व्लॉग्स मेरे मोटो व्लॉग्स बेसिकली रहेंगे दैट विल बी मोर क्लियर मोर क्रिस्प बिकॉज इससे क्या है कि मेरी जो व्लॉग की ऑडियो क्वालिटी बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। क्या है ये रिलेटेड टू द एक्सेसरीज मैंने जो परचेज किया है वो मैं अभी दिखाता हूँ। सो दिस ब्लॉग वुड बी स्टार्टिंग विद जस्ट अनबॉक्सिंग दिस टू पैकेट्स जो मुझे मिले हैं। सो लेट पहले ये छोटा वाला पैकेट अनबॉक्स करते हैं। पता नहीं यार, इसकी हालत देख ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दब वक के आ गया है, बहुत जगह से दब चुका है ये। पता नहीं कैसे ट्रांजिट किया था, बट नथिंग बट एक माइक्रोफोन है जो माओना का है जो गोप्रो को फिट होगा। मेरे पास गोप्रो 8 है। अभी ये फिक्स करने के लिए मैंने दूसरा एक एक्सेसरीज मंगाया है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। सो लेट मी फर्स्ट अनबॉक्स दिस एंड चेक इट कि ये क्या कैसा है करके। या मैंने ऑनलाइन देखा था तो ये बैग के साथ देते हैं ये माइक्रोफोन। ओके, जिसमें एक माइक्रोफोन है और ये एक्सटेंशन है। माइक्रोफोन में ये छोटा सा एक डेड कैट दिया है जो काफ़ी नॉइज़ रिडक्शन के लिए मदद करेगा एंड बाकी सिंपल है। यस, लाइकवाइज आई वुड से कि यस काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़ा है। मैं कहीं से भी, इवन दो मैं अगर चेस्ट माउंट यूज़ करता हूँ मेरे गोप्रो के लिए, देन टू इट विल बी सफिशेंट इनफ कि ये मेरे चेस्ट से डायरेक्टली हेलमेट तक जो मेरा चिन माउंट है वहाँ तक आ जाएगा। ये है, और क्या है इसमें दिया हुआ। ये है कि सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे यहाँ पे वेलक्रो लगा के हेलमेट के अंदर भी वेलक्रो लगा के इसको एक जगह पे फिक्स कर सकते हैं सो दैट ये माइक्रोफोन जगह से हिलेगा नहीं एंड ये समथिंग ऐसे फिक्स होगा। दिस इज़ हाउ इट विल फिक्स एंड यहाँ पे ऐसा हेडफोन्स ये हेलमेट के अंदर लगा रहेगा। दिस इज़ अबाउट दैट माइक्रोफोन। नाउ ये जो पैकेट है इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अनबॉक्स दिस एंड आपको दिखाऊंगा कि क्या है, व्हाई आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस। और ये ऐसा कुछ पैकिंग है। एंड तड़ा, दिस इज़ नथिंग बट गोप्रो मीडिया मोड। ये गोप्रो 8 के लिए एक्सेसरीज खास निकाला है जो कि आपका एडाप्टर है। जो गोप्रो माइक है वो डायरेक्टली आता नहीं है, यू नीड टू परचेज एन एडाप्टर। वो एडाप्टर को आप प्लग करने के बाद गोप्रो में डायरेक्टली आपका वो एडाप्टर का पिन जाता है। वो सब झंझट नहीं चाहिए। दैट्स अ रीज़न गोप्रो ने यह नया निकाला था, दिस इज़ नथिंग बट गोप्रो मीडिया मोड। एंड काफ़ी सारे मैंने रिव्यूज़ पढ़े, दिस इज़ रियली हैंडी अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हो। वो सब वायरिंग का झंझट, अगेन एडाप्टर का एक यू नो सम अमाउंट ऑफ लोड रहेगा, आपके हेलमेट के ऊपर लोड आएगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट दिस इज़ नथिंग बट द गोप्रो मीडिया मोड विच इज़ वेरी यूजफुल एंड हैंडी, ईजी फिट होगा, नो नीड टू वरी अबाउट कैसे फिट करना है। लेट्स अनबॉक्स दिस एज वेल। सॉरी फॉर कैमरा एंगल बिकॉज मेरा वो हेड माउंट पे मैंने बिठाया है बट थोड़ा सा हिल रहा है, सॉरी फॉर दैट। ये पैकेट से निकालने के बाद दिस इज़ नथिंग बट द वारंटी, या लाइफ टाइम वारंटी कार्ड। बाद में देखेंगे दिस इज़ रिलेटेड टू द यूसेज एंड हाउ टू फिट इट। वो है कि इसमें एक एक्स्ट्रा दैट ये आपके डायरेक्टली माउंट में कनेक्ट होके आप इसको मीडिया मोड से कनेक्ट कर सकते हो। एंड येस, दिस इज वॉट इज देयर बिकॉज ये है की है जो यहाँ पे फिट होगा। नाउ आपको मैं इसका यूसेज बताऊँगा, वाई दिस इज नीडेड। ऐसे मेरे पास कीज पड़े हैं और भी। एंड येस, दिस इज दैट ब्यूटिफुल मीडिया मोड। राजा भाई, काफ़ी भारी है।
थम्स अप टू GoPro, पैकिंग इतना अच्छे करने का, बिकॉज दिस इज़ नॉट ऑफ दैट चीप क्वालिटी, पैकिंग बहुत अच्छी है, सो पैकिंग के लिए बहुत अच्छा. एंड येस दैट मीडिया मॉड जिसके अंदर GoPro फिट होगा. सो दिस इज़ द फ्रंट माइक्रोफोन, दिस इज़ द बैक माइक्रोफोन. यहाँ पे आपका ये जो प्लग है, ये प्लग है, यहाँ पे ये फिट होगा 3.5 mm जैक में, और इसके अंदर आप GoPro साइड करके इंस्टॉल कर सकते हो. क्वालिटी वाइज मैं बोलूँगा कि लाइक येस इट्स नॉट दैट अप टू सुपीरियर क्वालिटी लाइक अ GoPro, बट येस अगेन द क्वालिटी इज सुपर्ब, क्वाइट लाइट. एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग इट आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा करके वेट आएगा आपके हेलमेट के ऊपर, सो इट विल बी फ्री टू, आई मीन यू विल बी फ्री टू शेक योर हेड. आई डोंट थिंक सो इट विल क्रिएट एनी प्रॉब्लम, एक ज़्यादा वेट तो नहीं आएगा. यहाँ पे एक लॉक है, ये लॉक को आपको नीचे खींचना होगा एंड देन दिस विल ओपन अप. ओके, ये ओपन हो गया, और यहाँ पे आपको GoPro स्लाइड करके बिठाना होगा एंड देन यू नीड टू लॉक दिस. सो या अभी इंस्टॉल करते हैं. या वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, सो रीज़न बी आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस एक्स्ट्रा केस बिकॉज आपका जब GoPro माउंट होगा, जो नॉर्मल स्क्रू आता है वो इतना लॉन्ग नहीं रहते और उसका शेप ऐसा नहीं रहता, वो बल्की रहते. सो जब आपका वो GoPro फिट होगा तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आएगा जब आपका GoPro फिट करते समय, सो इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा, घूमेगा नहीं. सो दैट्स द रीज़न दिस इज़ बीन प्रोवाइडेड, जहाँ पे ये जो शेप है यहाँ का ये थोड़ा कम किया है, सो दैट्स द रीज़न इट विल ईजीली गो इन एंड फिट होगा. या सो अभी GoPro को इंस्टॉल करते इसमें और चेक करते. तो ये है मेरा GoPro जिसका मैंने ऊपर का पैनल निकाल दिया है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो GoPro 8 का यही एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपको यहाँ पे माइक कनेक्ट करना है देन ये जो डोर आता है कम्प्लीटली सील रहता है, सो यू कांट कनेक्ट दैट. सो इन ऑर्डर टू कनेक्ट योर GoPro माइक टू दिस वन, एक अलग सा डोर पैनल आता है जिसमें खाली यहाँ पे व्हाट यू कैन से एक एक्सपोज होल रहता है जहाँ से आप कनेक्ट कर पाते हो. बट इसके कारण पीछे भी शायद कारण रहेगा बिकॉज GoPro ने ये मीडिया मोड को इंट्रोड्यूस किया. सो आई एम नॉट श्योर पहले वाले शॉट में आपको कितना अच्छी तरह से दिखाई दिया था GoPro मीडिया मोड, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो यहाँ पे ये 3.5 mm माइक अडेप्टर है, देन आपका ये चार्जिंग है एंड देन दिस वन इज़ HDMI पोर्ट. सो ये है, और ये ऐसा ओपन करके आपको इसमें स्लाइड करना है. सो मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ हाउ यू स्लाइड इन. इसको बिठाने के बाद लॉक कर दो. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स वंस यू फिट योर GoPro इनटू GoPro मीडिया मोड. सो इसको इससे एक ही एडवांटेज है कि जो एक्सपोज था बैटरी पैनल और वो सब पूरा चिप गया है. बट अगेन दिस GoPro मीडिया मोड इज़ नॉट वाटर प्रूफ बिकॉज ये सारा जो है ये एक्सपोज्ड ही है. सो अगर बारिश होती है गलती से तो माइक है, माइक ख़राब हो जाएगा आपका, या तो फिर ये सारे पोर्ट जो है ओपन है और इससे पानी जाके आपका शायद GoPro ख़राब भी हो सकता है. सो इसको माउंट करते हैं अभी हेलमेट पे. सो लेट्स टेक अ लुक. सो दिस इज़ हाउ माई हेलमेट लुक्स विद चिन माउंट. सो दिस हैव ऑर्डर फ्रॉम Amazon. सो ये आपको ईजिली Amazon पे मिल जाएगा, समवेयर नियर अराउंड 700 to 800 कॉस्ट है इसका. मैंने जो ये मंगाया है विद अ J माउंट, इसके और भी और एक वेरियंट है जहाँ पे खाली आपको जस्ट हुक रहता है कि जहाँ पे आपको GoPro के अदर एक्सेसरीज आप फिट कर पाते हो, बट मैंने ये प्रीफर किया था बिकॉज इसमें इनबिल्ट J माउंट है. और इसको परचेज़ करने का कारण एक ही था बिकॉज इसमें आपको चिपकाना नहीं है. सो ये थ्रेड्स हैं यहाँ पे, सो इसको इंटरनली हेलमेट के अंदर मैंने आई एम रियली नॉट श्योर वेदर दिख रहा है कि नहीं, बट ऐसा मैंने यहाँ पे इसको खाली फिट किया है. सो ये जो रोप्स दिए हैं या बकल्स आप कह सकते हो इसको दिए है, जस्ट यू नीड टू पुट इन एंड टाइटन इट. सो ये फिक्स होने के बाद अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे लूज़ है, सो यहाँ पे हिल रहा है, बट इसको आप टाइट कर सकते हो एंड वेरी मच कंफर्टेबल. सो अगर भले ही आप दूसरा हेलमेट लेते हो, सो इसे अनमाउंट करके दूसरे हेलमेट पे भी माउंट कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो चलो फिक्स करते हैं GoPro को. सो मैंने इसको निकालता हूँ फर्स्ट. इसको निकालने के बाद
ये मैंने निकाल दिया एंड यस दिस इज हाउ इट गेट्स फिटेड. इट लुक्स आफ्टर माउंटिंग GoPro ऑन द हेलमेट चिन माउंट. मैंने मेरे जो अब तक के व्लॉग्स देखे जो कि टाइगर का है या फिर मैंने स्ट्रेट ट्रिपल पे किया है, सारे व्लॉग्स यही सेटअप से किया था. सो नो नीड टू वरी अबाउट योर कैमरा एंगल और एवरीथिंग. द जे माउंट टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. बट अभी इसमें एक प्रॉब्लम है कि ऐसे ही मेरे को माइक फिट करना है. सो सपोज़ ये मेरा माइक है जिसमें मैंने पहले भी जैसे बताया था कि ये एक्सटेंशन है जो कि TRS है और जो माइक का इंटरनल है ये है TRRS. नाउ आई एम रियली नॉट श्योर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म फॉर एस बट दिस इज टिप रिंग रिंग एंड एस. नाउ एस का क्या मतलब है मुझे पता नहीं और ये है TRS दैट इज़ टिप रिंग एंड एस. सो GoPro मीडिया मॉड या जो भी अडेप्टर है उसको ये TRS ही फिट होगा अनलेस एंड अनटिल यू हैव दिस आपका माइक्रोफोन से वॉइस कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होगा. सो ये मेरा माइक है जो मैंने मंगाया था. जैसे ही मैं सपोज ये मेरा माइक अंदर है और मैं इसको फिट करने जाता हूँ मेरे GoPro मीडिया मॉड को. सो यहाँ पे ये 3.5 mm जो पीछे है सो मैं जैसे इसको फिक्स करने जाता हूँ सो ये मेरा कैम एंगल है और ये फिट करने जाऊँगा. सो यू कैन सी कि यहाँ पे इतना ये स्पेस नहीं है. सो ड्यू टू दिस either I need to change this extender that is from TRRS to TRS but वो 90 degree angle में चाहिए रहेगा ताकि जैसे ये बाहर आएगा केबल तो 90 degree में elevated होके यहाँ से कनेक्ट होगा कैमरे को या फिर मुझे माइक्रोफोन ही चेंज करना पड़ेगा जो कि विथ TRS से आ जाए. अब ये मुझे पता नहीं था बट हाउ द सेटअप वुड बी. सो मैंने ये मंगा के गलती कर दी तो अभी ये फिट नहीं हो रहा तो अभी इसे क्या कर सकते हैं. सो यस दिस कम्स टू द रेस्क्यू. ये एक्सटेंडर है जो कि मैंने अमेजोन से वहीं मंगाया था. सो दिस कम्स अराउंड नियर अराउंड 200 rupees. सो ये दो एक्सटेंडर आते हैं ये कि जो भी अलग अलग सेटअप पे है. सो ये कुछ ऐसा मैंने असेंबल किया है मतलब फिट किया है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट इसको आप ऐसे फिट कर दो इसमें ये लगा दो इसको ये लगा दिया एंड द दिस रिबन्स. सो आपको करना है क्या है सो इसमें फिट कर दो. सो यस ये ऐसा मैंने फिट कर दिया है रॉबर्ट लुक्स. तो अभी ये जो आएगा ये इजीली मेरे कैमरा में फिट होगा. लेट मी शो दिस टू यू. सो ये देखो सो ये है मेरा अभी का सेटअप करंट सेटअप जो कि मैंने ऐसा सेटअप किया है और जो अभी के इसके बाद जो कई व्लॉग्स जो आएंगे जिसमें मेरा इनबिल्ट वॉइस भी रहेगा विद रिकॉर्डेड ऑन द GoPro इटसेल्फ. सो दिस इज़ हाउ माय द सेटअप इज दिस इज़ हाउ द करंट सेटअप इज. अभी माइक्रोफोन को कहाँ माउंट करना है वो मैं देख लूँगा. दिस इज़ क्वाइट सिंपल नथिंग मच. मैंने कुछ एम सील या ग्लूज कुछ भी यूज़ नहीं किया टू स्टिक द चिन माउंट. दिस इज़ जस्ट आई टाइटन इट एंड सो दो एक्सेसरीज मैंने मंगाए थे. सो दिस इज़ जे माउंट एंड दिस इज़ एक्सटेंडर जस्ट टू हैव दिस माइक्रोफोन वायर गेट्स फिटेड टू GoPro. यप सो दिस इज़ इट. सो यप सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. जिमी मेरा माइक्रोफोन का केबल यहाँ पे कनेक्ट हो गया है. ये एक्सटेंडर है ये जे माउंट है और ये मेरा कैमरा कनेक्टेड है. नाउ यस आई नीड टू टेस्ट द camera angle and the microphone setup. So this is it guys, nothing much. This is quite simple. Koi bhi setup kar sakta hai and this is how it goes. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. More vlogs coming soon your way. Thank you.